गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल ऑनलाइन एजुकेशन बाई टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ऑफलाइन हो, पोस्टपोन्ड एग्जाम हो, चाहे ऑनलाइन, जिसके चांसेस वेरी लेस हैं, पर एग्जाम 100% श्योर है। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो आईसीएसई क्लास 10th की कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान है। स्टूडेंट्स, मैंने आज के वीडियो में आप लोगों की स्टडीज के प्लान को पूरा डिस्कस किया है, आपको कैसे स्टडीज करनी है ये 30 डेज में, जिससे आपका परसेंटेज, जो भी परसेंटेज पे आप इसमें हो, उससे कितना इंक्रीज हो पाएगा और कितना इंक्रीज हो जाएगा और कैसे इंक्रीज होगा उसके बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए हैं, पहला है कि आपका आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी 30 डेज कंप्लीट स्टडी प्लान, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट है कि हाउ टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम 50% टू 60। अगर आपके मार्क्स 50% से लेके 65% तक है, अगर मुझे 90% तक लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए बेटा, मैं उसके लिए आपकी हेल्प करूंगा। ये जो वीडियो मेरा बनाने का बेटा मेन मकसद ये था कि इसमें आपके जो कमेंट्स आए, आपके पेरेंट्स के जो कमेंट्स आए कि सर मेरे बच्चों को कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए, कुछ ऐसा प्लान बताइए कि जिससे उनके परसेंटेज बूम हो, परसेंटेज इंक्रीज हो, कम से कम एटलीस्ट 20-25% 30% इंक्रीज हो जो उनके पर्टिकुलर परसेंटेज है। तो वो हिसाब से बेटा, और आपके डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के मैसेज मेरे पास आए थे, कमेंट्स आए थे, तो वो हिसाब से मैंने बेटा आज का ये वीडियो क्लिप तैयार किया है। अब इसमें स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट में हाउ टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स, और थर्ड में बेटा मैंने दिया कि हाउ टू स्कोर 95% प्लस मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 60% से 85% के बीच में कुछ भी मार्क्स हैं तो आप 95% प्लस मार्क्स ला सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपके परसेंटेज ऑलरेडी 80% के ऊपर है, मतलब आपका परसेंटेज अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% आया है, 85% आया है, तो आप कितना स्कोर कर सकते हो बेटा। मैंने परसेंटेज नहीं लिखा है, डायरेक्टली आउट ऑफ 500 बेटा मैंने बेस्ट 5 चूज किया। उसमें बेस्ट 5 इसलिए चूज किया है बेटा क्योंकि हम जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते, बिकॉज सीबीएसई ऑल्सो बेस्ट 5 में अपने बेटा परसेंटेज डिक्लेयर करती है, स्कूल परसेंटेज बेस्ट 5 में बताती है, तो मैंने बेस्ट 5 लिया। बेस्ट 5 ऑफ 500 में तो मेरे मार्क्स होने चाहिए 496, 497, 498 और 499 आउट ऑफ 500, अगर मेरा परसेंटेज 80% एवो है तो। तो उसके लिए भी प्लान और उसके लिए भी स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। तो बेटा हम ये चारों स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज बेटा, एक चीज ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन 100% श्योर है। ओके, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे थोड़ा बहुत अगर पोस्टपोन, अगर कोई भी केसेस अगर कोरोना के इंक्रीज होते हैं तो हो सके, पर चांसेस कम है पोस्टपोन के बेटा। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑनलाइन वेरी लेस चांस, बिकॉज ऑनलाइन का आप बिल्कुल मैं बस सोच चलिए कि ऑनलाइन का होगा कुछ, फिर भी मैं उसको लिखा हूँ कि वेरी लेस चांस, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगी। चलते हैं बेटा अब स्टडी, क्योंकि स्टडी तो करनी है, एग्जाम देना है, एग्जाम 100% श्योर है, तो अब स्ट्रेटेजी प्लान पे चलते हैं बेटा। अब नाउ स्ट्रेटेजी प्लान में आप आइए बेटा, ये मेरा नेक्स्ट स्लाइड है जिसके अंदर मैंने स्टडी टाइम बेटा आप लोगों के लिए रखा है 10-12 hours। अगर आपको बोर्ड के मार्क्स, ओके, जो मैंने स्लैब बनाए हैं उसमें आपको चाहिए, डेफिनेटली आपकी जो स्टडीज है वो होनी चाहिए, ओके, 10-12 hours। अगर आप इस समय भी ये 30 दिन 10-12 घंटे आप स्टडीज को नहीं देंगे तो सोचेंगे कि नहीं मैं 90% प्लस मार्क्स ले आऊं, 95% प्लस मार्क्स ले आऊं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका दूसरा कोई काम नहीं है बेटा। आप एक स्टूडेंट हो, 10th standard बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो डेफिनेटली बोर्ड्स के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं है। आपका मेन है मकसद कि मेरी मार्कशीट में मेरा ये परसेंटेज आए। यस, आप परसेंटेज मत सेट कीजिए कि मुझे ये परसेंट चाहिए, आप अपना बेस्ट बस अपनी स्टडीज में दीजिए। यस, कोई परसेंटेज मत सेट कीजिए कि नहीं हाँ मुझे ये पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए वो, नहीं तो बेटा क्या होगा अगर आप वो सेट करके जाएंगे और नहीं वो पॉइंट वो अचीव हुआ, उससे थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो आप एक डिप्रेशन में डिप्रेस्ड हो जाएंगे, पेरेंट भी खुश नहीं, तो बेटा क्या जरूरत है मैं किसी को भी एक टारगेट बताने के लिए। आप अपना टारगेट अपने मन में रखिए, अपने पास रखिए। यस, जस्ट आप अपना बेस्ट स्टडीज दीजिए। स्टूडेंट्स, अब सेकंड चीज देखिए, मैंने ये जो चार्ट बनाया है इसमें मैंने 4 slabs 2 घंटे के रखे हैं। मैंने ऐसा 4 slabs 2 घंटे के क्यों किए, क्योंकि स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट की बुक्स आप पूरे दिन में स्टडीज नहीं कर सकते हो। यस, अगर आपने 10-12 घंटे स्टडी प्लान रखा है तो उसमें आपको, ओके, 4 slabs में 1 slab में देखो मैंने वहां पे 7 lines क्यों ड्रॉ की बेटा, ऑफ फॉर ऑल 7 days, ओके, मंडे से लेके संडे तक के लिए। तो आपको बेटा इसमें ना 4 slabs में स्टडीज रखनी है, 1 slab में 1 paper रखना है, हर रोज आपको 1 paper सॉल्व करना है। पेपर कौन सा बेटा, आप पेपर देखो प्रीवियस ईयर के आपने अगर ऑलरेडी, बिकॉज डेफिनेटली स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिए हैं, किसी ने 3 साल के, किसी ने 5 साल के, किसी ने 10 साल के सॉल्व कर लिए हैं, पर एक चीज याद रखिए बेटा, अब प्रीवियस ईयर पेपर से ज्यादा आपको ना
आपको, क्योंकि अब ये जो 2021 है वो जो कोरोना की वजह से जो पेपर बना है बेटा वो थोड़ा सा अलग रहे, मतलब आपको वो क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन आप बोलेंगे कि सबसे सिंपल या सबसे इजी या सबसे ऐसा क्वेश्चन, बेटा ये ध्यान रखना है जो जो सबसे सिंपल चीजें हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। यस आप ये मत समझ लीजिए, जो समझ लीजिए रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाए हैं, मतलब वो क्वेश्चन जो हमेशा रेगुलर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत अहमती रहेंगे। अगर आपने बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बोर्ड के 3 से 4 साल जो प्रीवियस पेपर्स हैं हर पेपर में से जहां तक उम्मीद है कि बेटा आईसीएसई काउंसिल इस साल, क्योंकि मैथ्स में तो न्यूमेरिकल फिगर चेंज होंगी, यस मैथमेटिक्स में तो ये बिल्कुल भूल जाएगी कि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आ गया वापस वो रिपीट, मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हाँ सिमिलर टाइप क्वेश्चन अदर बुक से रिपीट होगा। तो याद रखिए जो क्वेश्चन जिस बुक्स में सिमिलर क्वेश्चन है और वो बोर्ड में नहीं आया तो वही क्वेश्चन मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो हिंदी और इंग्लिश मैंने एक स्लैब में रखा है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ने बैठे हो तो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे लिटरेचर हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो लिटरेचर हो, तो आप उसको 2 घंटे एक स्लैब में, एक दिन अगर हिंदी रख रहे हो दूसरे दिन आप इंग्लिश रखिए। इंग्लिश को ज्यादा दिन दीजिए, अगर हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन इंग्लिश को दे दीजिए। ओके अगर आपका हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 2 दिन एटलीस्ट फिर भी हिंदी को दीजिए। और ध्यान रखिए बेटा जब हिंदी दे रहे हो तो हिंदी के वो पॉइंट पे ध्यान दीजिए जहाँ पे आपके मार्क्स कम होते हैं, जैसे आप कोई लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग और जो ग्रामर सेक्शन पार्ट है जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर होता है बेटा उस चीजों पे आप जाइए और उन पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सेम वही इंग्लिश में भी। तो लैंग्वेज सेक्शन बेटा अब यहाँ पे मैं जो सेकंड स्ट्रेटेजी है मार्क्स कैसे आएंगे बेटा वो चीज मैं नेक्स्ट स्लाइड में है। और इसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी सेकंड स्लाइड में बेटा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेक्शन में रखा है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ये ध्यान रखिए कि ज्योग्राफी में टोपो मैप को आपको अच्छे से स्टडी करनी है, जो 30 मार्क्स है उसमें 30 out of 30 आ जाए टोपो मैप में। हिस्ट्री में आपके की पॉइंट्स और पॉइंट वाइज ही आंसर लिखिए। हिस्ट्री में अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हिस्ट्री में एग्जामिनर को सिर्फ वो पॉइंट याद रखना बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो एग्जामिनर जो मार्क्स देता है ना वो की पॉइंट पे मार्क्स देता है। की पॉइंट्स है मार्क्स दो। यस सेंटेंस फ्रेमिंग कैसी भी हो गई बच्चों की कोई प्रॉब्लम, इंग्लिश को छोड़ के बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट में, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग एवरीथिंग वो परफेक्ट होनी चाहिए तो ही आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेगा। पर हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके की पॉइंट्स अगर हैं यस तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने थर्ड स्लैब में एक दिन अगर फिजिक्स ले रहे हो दूसरे दिन तो दो दो दिन डिवाइस कर लीजिए, 2 दिन फिजिक्स 2 दिन केमिस्ट्री 2 दिन बायो और 1 दिन एक्स्ट्रा जो बचेगा वो आप जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उस सब्जेक्ट पे चले जाइए। स्टूडेंट्स एक चीज नोट रखिए कि आपको अब टेक्स्ट बुक से स्टडीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे ना तो टेक्स्ट बुक में हो सकता है कौन सी बहुत सी चीजें आपने स्किप की हैं, बहुत सी चीजें रिड्यूस भी हुई हैं, तो वो सब चीजें आपके जब सामने दिखेगा तो उसका जो इंप्रेशन आएगा आपके ऊपर ना वो कैसा रहेगा कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ी ये चीज नहीं पढ़ी ये चीज नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से आपको लगेगा अरे बहुत डिफिकल्ट मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। और मैं बेटा वो चीज ना हो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक को अब साइड कर दीजिए। अगर आपने अपने नोट याद रखना बेटा नोट्स अगर स्कूल के हैं टीचर्स के हैं दूसरे फ्रेंड्स के हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए। 95% या 90% उसी बच्चे को मिलता है जो अपना खुद का पर्सनल नोट बनाता है। अभी भी अगर आपने नहीं बनाया तो जब भी स्टडीज प्लान करने बैठ रहे बैठे 2-2 घंटे का जो स्लैब बनाया है आप उसमें बैठ के अपने की पॉइंट के शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स बनाइए, उसी को आप बोर्ड एग्जाम तक पढ़िए। अगर आपका परसेंटेज नहीं आए तो फिर आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए सर आपने आपकी स्टडी प्लान के हिसाब से मैंने डिस्कस किया और मुझे परसेंटेज नहीं आए। बेटा जो मैं स्टडी प्लान बना रहा हूँ उसके हिसाब से आप स्टडी स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आपका परसेंटेज आएंगे। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट बेटा मैंने स्लैब में मैथ्स और ग्रुप 3 रखा है। ग्रुप 3 में आपका सब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड है, इसलिए मैंने ग्रुप 3 में सिर्फ ग्रुप 3 लिखा है। अब आपने टेक्निकल ड्राइंग लिया है पी लिया है एनवायरमेंटल एप्लीकेशन लिया है इकोनॉमिक एप्लीकेशन लिया है ग्रुप 3 में कॉमर्शियल एप्लीकेशन लिया डिपेंड जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है। और मैथमेटिक्स भी रखा है क्योंकि बेटा इसमें क्या है कि ग्रुप 3 को हफ्ते में 2 दिन दे देंगे या जो 2 घंटे का स्लैब है उसमें अगर आपने 30 मिनट भी दे दिया आधा 45 मिनट दे दिया बाकी मैथ्स के लिए, मैथ्स को तो आपको डेली देना है बेटा, तो उसमें आपका कैसा हो जाता है कि आपका ग्रुप 3 कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट और पेपर आपको पर डे एक सॉल्व करना है, आपको 7 डेज में डेफिनेटली हर सब्जेक्ट का पेपर एक एक दिन में आपका आ जाएगा, तो पेपर आपको एक दिन एक पेपर सॉल्व करना ही है। तो ये बेटा ये डेली अगर आपने ये स्ट्रेटेजी प्लान कर ली है और ध्यान रखना इसके बीच में बेटा आपको गैप रखना है, हर 2 घंटे की स्टडी में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप रखना है। और 2 घंटे की स्टडी आप कंटिन्यू मत कीजिए, आप 1 घंटे का स्टडी कीजिए फिर थोड़ा गैप दीजिए फिर वापस वो सब्जेक्ट को कीजिए, 2 घंटे बाद सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। अब देखिए बेटा मैंने इसको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, डेली सेट योर टेबल फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर गोइंग टू स्लीप, मतलब जब नेक्स्ट डे आप जब सोने जा रहे हो तो नेक्स्ट डे में क्या पढ़ना है बेटा पहले ही आप रख के देख बैठिए, क्योंकि सुबह सुबह आप ना
जब निकालने बैठेंगे डेफिनेटली आप चेंज कर देंगे कि नहीं मुझे ये नहीं ये पढ़ना है, मुझे ये नहीं ये करना है, तो आप पहले से सेट कर दीजिए कि हाँ नेक्स्ट डे मुझे ये चीजें करनी है, तो उस टेबल में फिर आप दूसरी चीजें मत लेके आइए। ओके डू नॉट चेंज, ओके आप अपना टाइम डू नॉट चेंज योर टाइम टेबल्स। अब टाइम टेबल जो आपने सेट किया है, जैसे जो टाइम टेबल मैंने आपको बनाया अपने हिसाब से, जो भी आप सेट कर रहे हो, मैंने टाइमिंग नहीं डाली बेटा, क्योंकि टाइमिंग हर बच्चे का अलग अलग होता है, कोई बच्चा मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई बच्चा आफ्टरनून में, कोई बच्चा रात में लेट नाइट पढ़ता है। बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं सॉबिक सुबह पढ़ जल्दी उठ के जल्दी पढ़ने से ज्यादा दिमाग में आता है, ठीक है ये चीजें हैं, फ्रेश माइंड रहता है बेटा, पर आपका जो फेवरेट टाइम है आप उसमें स्टडीज कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सुबह सुबह पढ़िए, आप रात में पढ़िए, रात में रात भर पढ़िए, सुबह सोइए, कुछ भी बेटा। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ आपको एक प्लान दे रहा हूँ, उसमें इनोवेशन आपको करना है। ओके अब डू नॉट एक्सेप्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर फ्रेंड। बेटा ये मैंने क्वेश्चन ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है कि आपको अपने दोस्तों से कोई क्वेश्चन, अगर आपका दोस्त बोलता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है तुमने पढ़ा कि नहीं, बेटा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ और आपको डिफिकल्ट वो चीज लगती है तो आपके माइंड में वो पिन चला गया, मतलब वो चीज ऐसा एक कंफ्यूजन चला गया जिससे वो चैप्टर वो सब्जेक्ट आपको वो कंफ्यूज कर देगा। यस और बिफोर एग्जामिनेशन अगर आपको उसने दे दिया, एग्जामिनेशन डे के दिन दे दिया तो आपका पेपर खराब कर देगा बेटा। इसलिए आपको अपने फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव या किसी भी टीचर से भी आपको अब इस समय कोई भी अनवांटेड क्वेश्चंस नहीं एक्सेप्ट करने हैं। जस्ट आपने जितनी स्टडीज की है उसी को आप रिवाइज कीजिए, उसी को आप स्टडीज कीजिए। यस आपको बोर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से आपको स्टडीज करनी है, ना कि कोई क्वेश्चंस दे बेटा। चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो बेटा जो क्वेश्चंस वो पुटअप करते हैं, मे बी वो अपने कि ये डिफिकल्ट लेवल है इसको तुम सॉल्व करके दिखाओ, बेटा हमें कुछ नहीं दिखाना है, मुझे नहीं आता, मुझे जितना आता है बेटा मैंने प्रिपरेशन किया, मुझे मार्क्स चाहिए। बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं है तो मत करिए। यस और मत करिए किसी का क्वेश्चन बेटा, जस्ट आप अपना सिर्फ स्टडीज कीजिए जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है। इसलिए मैंने लिखा डोंट एक्सेप्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। ओके बेटा नेक्स्ट है पिकअप अदर स्कूल प्रीलिम पेपर। याद रखो बेटा ये चीज मैंने क्यों लिखी है कि आप लोग जैसे कोई भी जैसे कोई कमेंट्स आए थे कि ओसवाल की बुक से हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बेटा ओसवाल देखो हर जो पब्लिशर है उनकी बैकसाइड में जो पेपर दिया वो भी पेपर अच्छे होते हैं। ओसवाल वगैरह में जो पेपर बनाया कुछ क्वेश्चन तो अच्छे रहते हैं पर कुछ क्वेश्चन इतने रिलेवेंट नहीं रहते जो बोर्ड में पूछे जाए। यस उसमें ऐसा हो जाता है कि बेटा ना क्योंकि बोर्ड में पेपर जो भेजते हैं टीचर्स ना वो टीचर्स इन पब्लिशर बुक लोगों के लिए टीचर्स पेपर नहीं बनाते हैं बेटा। ओके कुछ हैं जो बनाते हैं, बाकी वो टीचर्स जो बोर्ड में सेट करते हैं बेटा हमारे जैसे टीचर्स हैं जो पेपर सेट करते हैं, तो आपको रिपोर्टेड जो स्कूल्स हैं आपके एरिया में जो बहुत अच्छा स्कूल्स है उनकी प्रीलिम के पेपर को आप देखिए। वहाँ के टीचर्स अगर उनको मालूम है कि हाँ वहाँ का जैसे कोई भी सब्जेक्ट का टीचर्स है वो कितने साल पुराना है, कितने साल से पेपर चेक कर रहा है, तो उनका पेपर आपको अगर मिलता है किसी भी कनेक्शन के थ्रू तो डेफिनेटली वो पेपरों को सॉल्व कीजिए। वो पेपर से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं और क्या क्या फ्रेमिंग हो सकती है, क्योंकि बेटा वो इनोवेशन करके पेपर अपना क्रिएट करते हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स देखो अब लास्ट में एक पॉइंट लिखा है कि बिलीव इन योर सेल्फ। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को अपनी स्टडीज करनी है, आपका अपना टाइम टेबल सेट किया है, अपने स्टडी प्लान बनाई है, आप अपने स्टडी से स्टडी कर रहे हो, टाइम 10 से 12 घंटे दे रहे हो, बेटा मेहनत कभी खराब बेकार नहीं जाती है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यस जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतनी हार्डवर्क करूंगा तो डेफिनेटली मुझे जो चीज मैं चाहता हूँ वो अचीव हो जाएगी, तो वो अचीव होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यस पर आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। यस नेगेटिविटी नहीं कि मैं ये चीज अगर मैंने बेटा कुछ चीजें से हम छोड़ देते हैं कि ये चीज मैंने स्टडी नहीं की है चलो ये नहीं आएगा, बेटा आपने सोच रखा है नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, पर अगर आपको कोई दोस्त अगर बोलता है आएगा और आपने सोचना स्टार्ट कर दिया आएगा तो डेफिनेटली वो पेपर में रहेगा। तो बेटा ये चीजें होती हैं, आप ये चीज याद रखिए कि अगर आपके पास नेगेटिव और आप उसके विषय में सोच रहे हो तो सामने सामने क्योंकि आप उसको बेटा कॉल कर रहे हो बुला रहे हो, तो नो नीड टू थिंक एनीथिंग नेगेटिव, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टडी एज पर योर प्लान बेटा। ओके बोर्ड में कोई परसेंटेज सेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और जस्ट गिव योर बेस्ट ओके इन योर स्टडीज, नथिंग ओके नो नीड टू फिक्स एनी परसेंटेज। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हम लोग अभी नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में हाउ टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स। बेटा वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर बने रहिए लास्ट तक, बिकॉज क्योंकि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आपका ये वीडियो हो सकता है आपकी स्टडी प्लान को थोड़ा चेंज करें, आपके माइंड को थोड़ा चेंज करें, और जिसकी वजह से आपकी स्टडीज थोड़ी सी और अच्छी बूम हो जाए बेटा। ओके वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में मैथमेटिक्स और ICSE फिजिक्स के चैप्टर को जाके देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वो चैप्टर्स इतने अच्छे लगेंगे, और जो मैंने न्यूमेरिकल फिजिक्स में किए हैं काफी चैप्टरों के वो जाके देखिए, मैथमेटिक्स में किए हैं बेटा वो जाके देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ ये बहुत मुझे मतलब कि फायदा कर रहा है और
हेल्प मिल रही है तो आप मुझे कमेंट में भेजिए कुछ और चैप्टर के लिए, मुझे कुछ चैप्टर के लिए है बेटा, मुझे वो चैप्टर सभी याद है जो उन्होंने मुझे कमेंट में भेजे हैं, वो डेफिनेटली भी प्रोसेस में है, इस वीक में अब वो चीजें भी मेरी बन जाएंगी बेटा, वो चीजें बन के मैं अपलोड करूंगा उसको भी। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में बेटा लिसन, अब यहाँ पे हाउ टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स, 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए, 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए बेटा पहली चीज हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैंने वो लिखा है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ग्रुप थ्री सब्जेक्ट। 20 मार्क्स मैंने बेटा इंटरनली जो बोर्ड एग्जाम में हम स्कूल भेजता है वो मैंने हर सब्जेक्ट में 20 डाल दिया, जिसमें सॉरी ग्रुप थ्री में 20 नहीं आएगा, ग्रुप थ्री में आपका 100 आ जाएगा। ओके ग्रुप थ्री में 100 आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप थ्री में ओके 100 मार्क्स आपको स्कूल से जाता है, 100 मार्क्स ओके बोर्ड में आप पेपर देते हो, तो 100 प्लस 100 रहता है। अब बेटा यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में 20 सर, अब आप सोच रहे होंगे सर मेरे स्कूल ने मुझे मार्क्स 20 दिए नहीं है, मुझे 18 दिए होंगे, 19 दिए होंगे। बेटा मैंने 20 सबके लिए इसलिए ले लिए क्योंकि स्कूल, आप अगर ये सोचोगे इंटरनल मुझे सर कितना मिला होगा क्या मिला होगा, बेटा हर स्कूल जो है वो इंटरनल में 17, 18, 19 और 20 आउट ऑफ 20 मैक्सिमम 20 आउट ऑफ 20 भेजता ही भेजता है बेटा, और कुछ बच्चों को 19 या कुछ बच्चों को 18, जो एक चीज फैक्ट है जो मैं आपको सामने रख रहा हूँ बेटा, उसमें कोई ये नहीं है छुपाने वाली चीजें। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में अगर 20 चला गया है आपको 65-70 अगर आप स्कोर कर रहे हो किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो बेटा ये 85 और 90 टच कर देगा। मैंने देखो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने 90 टच कर देगा सिर्फ वहां तक लेके गया हूँ, क्योंकि बेटा इंग्लिश में कैसा होता है कि इंग्लिश में लैंग्वेज सेक्शन से कुछ बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स होते हैं इंग्लिश में 90, 92, 93 बस इसके ऊपर नहीं, मैं क्योंकि अपने स्कूल में जो हाईएस्ट स्कॉलर बच्चे होते हैं 95 तक मैक्सिमम पहुंचते हैं, बाकी नहीं हो पाता है इंग्लिश में ज्यादा। हाँ एक हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर आप 75 से 77 स्कोर करते हो तो उसका जो इंग्लिश का जो आपका मार्क्स कम हुआ है वो आपका हिंदी में कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। अब हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी आपका काफी बेटर होता है कंपेयर टू हिस्ट्री। ओके अब ज्योग्राफी में टोपो मैप वगैरह है तो इसकी वजह से ज्योग्राफी बेटर हो जाता है, ज्योग्राफी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और टोपो मैप रहता है, जिसकी वजह से ज्योग्राफी इज मच मोर स्कोरिंग कंपेयर टू हिस्ट्री। तो वहां पे मैंने 75-77 लिया, हिस्ट्री में 70-72 लिया। अगर आप स्कोर करते हो 70 प्लस और 72 के प्लस में और 75, तो इसमें मान लीजिए दोनों में अगर आपका एवरेज 73 या 72 बनता है आपको 92 वहां पे मार्क्स आपका हो जाएगा। यस तो आप ऑलरेडी हिंदी से और इंग्लिश में कवर करके 90 के आप प्लस में ही हो। मैथ्स में अगर आप, क्योंकि बेटा यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी का एवरेज बेटा यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके, जिसको नहीं बेटा मालूम हो आप बता दूं कि ये डिवाइड बाय 2 करके आपका परसेंटेज निकलेगा। ओके आपका मार्क्स बोर्ड में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहेगा एसएस, यस जो आपको 100 में से कैलकुलेट करेंगे। ओके अब यहाँ पे हिंदी में भी बेटा इंग्लिश में भी सेम वही डिवाइड बाय 2 है, हिंदी आपका सेपरेट है, मैथ्स आपका सेपरेट है और ग्रुप 3 आपका सेपरेट है। तो बेटा एक चीज याद रखना कि हिंदी मैथ्स और ग्रुप 3 ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसके जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिविजुअल आपका 100 आउट ऑफ 100 में जो आएगा उसी पे डिपेंड्स है। ग्रुप 3 सब्जेक्ट बेटा आप सोचेंगे कि ऑप्शनल है, ग्रुप 3 बेटा ऑप्शनल जरूर है पर बेस्ट 5 में उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ग्रुप 3 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं। हिंदी में 100 आउट ऑफ 99, 98, 100। मैथमेटिक्स में बेटा आप अगर आपका मैथ्स अच्छा हो गया और अच्छे आप करते हो तो मैथमेटिक्स में 75 कहीं नहीं गया है। यस तो 75 अगर आउट ऑफ 80 मिल रहा है तो मतलब 95 तो डेफिनेटली आपके इन तीनों सब्जेक्ट में 96-97% हो गए। अब बच्चे बेटा अब इसमें से अब इंग्लिश एसएस और साइंस सेक्शन, साइंस में बेटा डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब साइंस सेक्शन में से अगर आप स्कोर करते हो तीनों में, जैसे एवरेज मान लीजिए इसमें आपका 72-73 है, ओके तो 90-93 मार्क्स हो गया आपका। सेम एसएस में भी 90-93 मार्क्स हो गया और इंग्लिश में आपका मान लीजिए 87-88 भी है, तो भी आपका एग्रीगेट कितना 90% प्लस रहेगा। तो बेटा ये 90% प्लस का प्लान, अगर जो स्टूडेंट 50-60% मार्क्स लाते हैं तो 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। स्टूडेंट्स आईसीएससी में जब मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाया था बेटा, एक गर्ल्स थी, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अगर वो गर्ल्स सुन रही होगी तो रुपिजा मोरे करके उसका नाम था बेटा, 52% उसने लाया था प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में शी स्कोर्स 92%। तो बेटा ऐसा नहीं कि एग्जाम बेटा, एक स्टूडेंट्स और है जिसने जो सीएस और कॉमर्स की स्टूडेंट थे जो नाइन्थ में डिटेन थी और नाइन्थ में ग्रेस मार्क्स से वो पास हुई
और 10th स्टैंडर्ड में उसने मतलब कि 9th में ही उसको सीएस और हमने इकोनॉमिक्स मैथ साइंस ने ड्रॉप कर मतलब मैथ साइंस चाहती थी वो लेने की मतलब वो नहीं उसके पेरेंट्स चाहते थे मैथ साइंस देने के लिए हमने उनको बोला नहीं मैथ साइंस मत दीजिए नहीं कर पाएगी और वो बच्ची ने 10th में 95% स्कोर किया। बड़ा ये चीज ध्यान रखिए ऐसे कई एग्जांपल्स मैं आपको दो एग्जांपल दूं पर ऐसे कई एग्जांपल्स हैं तो इसलिए आप ना ये सोच के बैठेंगे कि नहीं मेरा 50% है 60% है तो मैं कैसे 90 इतना बड़ा कहां पहुंच जाऊंगा। बेटा ये चीज याद रखिए कब कौन आगे निकल जाए कुछ नहीं खा सकता है। क्लास में बेटा कभी आप सोच के ये ध्यान रखिए क्लास में अक्सर अगर 8-10 बच्चों की रैंक कंटिन्यू स्पीड चल रही है तो उसमें से कौन सा बच्चा टॉप पे पहुंचने वाला कुछ फिक्स नहीं है। आप अगर रेगुलर सोचते हो कि नहीं टॉप पे पहुंचेगा तो पता चला कि नहीं वो नहीं उसके 3 पीछे जो था वो पहुंच गया है। तो बेटा ये कुछ भी हो सकता है स्टडीज में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हाउ टू स्कोर 95% प्लस मार्क्स। बेटा 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए आप ये थोड़ा सा मैंने ग्राफिकल इसको बताया है। बेटा देखिए इसमें ग्राफिकल में जो मैंने आपको पहले बता दिया 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं जो ऑलरेडी 95% आप इसमें इजिली स्कोर करते हो वो है एक हिंदी जो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है मतलब इसका कोई पार्ट वार्ट नहीं है। मैथमेटिक्स दैट इज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बट मैथमेटिक्स में मैंने गैप रखा है क्योंकि ये 90 पे यहाँ पे इसको होल्ड किया वो आपके आपने कितना प्रिपरेशन किया उस पर डिपेंड है तो ये आपको फिलअप करना है विथ योर स्टडीज की जिससे मैं मेरा ये लाइन भी 95 टच करे। ओके एंड ग्रुप 3 में तो डेफिनेटली आप 95 के प्लस मन मतलब उसमें आप 97 98 99 मार्क्स ला रहे तो उसका 1-2% जो है वो आप किसी और में एडजस्ट कर सकते हो बेटा। अब यहाँ पे साइंस क्योंकि साइंस में 3 पार्ट होते हैं डिवाइड बाय 3 चलता है तो साइंस में डिवाइड बाय 3 होने की वजह से क्या होता है कि अगर मान लो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई एक सेक्शन वीक है तो वो थोड़ा सा पीछे खींचता है वो क्या करता है आपके 90 और 92 में रोक देता है 93 में रोक देता है 95 जो तीनों में अच्छे हैं डेफिनेटली वो 95 क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका जो प्लस इसका जो 2% है इसका 2% आप ग्रुप 3 का आप साइंस में भेज के इसको भी आप 95% प्लस में ले जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। ओके और हिंदी ऑलरेडी आपका एक सब्जेक्ट हो गया जिसमें आपका इसमें भी 97-98 आ रहा है तो आप एसएस में अगर आप समझ लीजिए रुक रहे हो कहाँ पे 93 के आसपास में तो 93 पे अगर आप यहाँ पे रुक गए तो आपका हिंदी हिंदी से आप क्या कीजिए अगर यहाँ 97% आ गया तो इसका 2% आप यहाँ दे दीजिए। यस तो अब इसका 2% अगर आपने हिंदी का 2% आपका एसएस में आ गया यस और ग्रुप 3 का 2% आपका साइंस में आ गया तो बेस्ट 5 में आप 95% आ गए बेटा। अब सिर्फ आपको फ्रॉम मैथ्स में हार्डवर्क कर देना है तो डेफिनेटली आपका 95% आ गया। ओके स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटेजी है 95% प्लस के लिए। बेटा ये याद रखना है कि आपका परसेंट ये आपको हेल्पिंग के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपके दिमाग में है कि 95% नहीं आ पाएगा तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी जिससे आपका 95% आएगा। ओके स्टूडेंट्स अब चलते हैं लास्ट जो रैंकर बच्चे मार्क्स लेके आते हैं वो है आउट ऑफ 500 ओके 499 98 97 96। स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद आपको लगेंगे सर कहीं बेटा क्योंकि बस जो सच है मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ ये चारों जो मार्क्स हैं 96 97 98 99 आउट ऑफ 500 ये मेरे लास्ट ईयर चारों स्टूडेंट्स के सीरियल ऑर्डर से नंबर हैं और ये चारों स्टूडेंट बेटा मेरे यहाँ तक कि स्कूल तो थे ही मेरे साथ में मेरे क्लासेस में भी थे तो ये जो चार फिगर्स आए हैं ना 499 498 497 496 आउट ऑफ 500 बेटा ये अब उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी रैंकर्स हैं। ये याद रखना कि ये इन बच्चों को ना बेटा ये मार्क्स लाने के लिए ओनली स्टडीज नहीं उनका विल पावर और उनका एग्जामिनेशन देते समय उनके बॉडी के वाइब्रेशन जैसे बोलते हैं बेटा हमने साउंड में वाइब्रेशन हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस हम अपने बॉडी पे कंट्रोल कितना करते हैं उस पे डिपेंड्स है। क्योंकि आप इधर एग्जाम लिख रहे हो तो एग्जाम लिखते समय बेटा हमने कभी देखा होगा कि एंड मोमेंट में हमारा पेन नहीं चल रहा है हाथ रुकते हैं Yes, ऐसे लगते हैं कि अरे जैसे कोई पकड़ रहा है हम हमारी राइटिंग हमारा पेपर कवर नहीं हो पा रहा मतलब तो मुझे सब कुछ आ रहा है पर फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो ये चीजें क्या है बेटा ना ये और फिर इसका आपकी हार्ट बीट बढ़ती है उस समय ओके एक अजीब सा पेन होता है बेटा वो इन चीजों पे एक कंट्रोल आपको जितना एग्जाम देंगे उससे होगा। और पहली दूसरी चीज आपका गोल सेट नहीं करना है Yes, अगर आप गोल सेट करके चलोगे कि नहीं मुझे यही परसेंटेज है यही आना है इसको मुझे बीट ये चीज याद रखना बेटा किसी को बीट करने के लिए किसी को हराने के लिए आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो। अगर आप किसी को बीट करने के लिए बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपका फिगर नहीं आएगा। Yes, आप सिर्फ अपना हार्डवर्क कर रहे हो आपको सिर्फ आपके हार्डवर्क पे आपके मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स आपको ना किसी को बीट करने के लिए आपको कि ना किसी से आप समझ लीजिए कंपटीशन कर रहे हो क्योंकि हमने कंपटीशन रखा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है एग्जामिनेशंस में।
यस तो वो चीज निकालिए कि दिमाग में मुझे किसी से कॉम्पिटिशन्स नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है। अब इसमें बेटा आपको देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तीन ग्रुप में, एक ग्रीन जोन, ब्लू जोन और रेड जोन में रखा है। इंग्लिश को भी मैंने रेड जोन में रखा है क्योंकि इंग्लिश में मुझे मालूम है कि इंग्लिश में बेटा स्टूडेंट्स 95, 96, 97, हाईएस्ट 98 बेटा बहुत अच्छा स्टूडेंट रहेगा, तो नहीं तो 95 पे ही वो रुक जाते हैं। अब बेटा ये मार्क्स मुझे लाने के लिए मुझे डेफिनेटली एक ये हो आउट ऑफ मार्क्स, मुझे यहाँ पे मैथ्स, हिंदी और ग्रुप थ्री इन तीन में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे 99 या 100 तो जाके मैं इन फिगर में आ सकता हूँ। तो इन तीन मैथ्स, हिंदी और ग्रुप, ये डिफिकल्ट नहीं है बेटा, काफी सिंपल है। मैथ्स में मैं बोल सकता हूँ 99 होगा, पर हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 बेटा मैथ्स में इस साल मेरे दो स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 में थे। ग्रुप थ्री में कम से कम नियर अबाउट 10 स्टूडेंट्स ओके 100 आउट ऑफ 100 में थे, एंड हिंदी में बेटा नियर अबाउट वो भी 10 से 15 तक स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 थे। साइंस में 99 हाईएस्ट है बेटा, एसएस में मेरे 3 या 4 स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 थे, इंग्लिश में बेटा 95 ही हाईएस्ट था। तो ये चीजें है ना कि क्योंकि क्या है कि बच्चों के बेटा ये मार्क्स, ऐसा नहीं कि बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, ये आते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे वो मार्क्स, देखो पेपर लिखने के जो पैटर्न्स हैं आपका, जो एक तरह से एक्सप्लेनेशन प्रोसेस है, यस पेपर का प्रेजेंटेशन प्रोसेस है, और कैंसिलेशन को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, यस या कैंसिल कोई चीज खराब हो जाती है, एक सिर्फ एक ही पतला स्ट्रॉक मारिए, उसको पूरा स्क्रिबलिंग मत दीजिए, एक स्ट्रॉक कीजिए और फिर नेक्स्ट पेज पे जाइए और वापस फिर से लिखिए। स्टूडेंट्स इसमें आपको अपने बॉडी कंट्रोल को अच्छा करना पड़ेगा तो ही जाके आपके ये स्कोर हो पाएंगे। स्टूडेंट्स आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली अगर मेरे ये प्लान आपको पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। Gracias.